हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसा सिंपल सा फेस मास्क बनाएंगे। ऐसी तीन चीज़ें लेंगे जो हमारे किचन में ही सबके किचन में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, जिससे हमारा चेहरा टाइट और ब्राइट बनेगा। यहाँ पर मैंने लिया है आलू, ये बॉयल्ड आलू है। जो कच्चा आलू होता है वो हमारे चेहरे को ग्लो देता है, और बॉयल्ड आलू ग्लो देने के साथ साथ हमारे चेहरे को टाइट करता है। तो हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा कच्चा आलू, थोड़ा सा बॉयल आलू, थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा सर्दियों से कोरियन स्किन केयर का मेन इंग्रेडिएंट है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये हमारे चेहरे को हमेशा जवान बना रखता है। हमारे चेहरे को टाइट और ब्राइट करने के लिए चावल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये हर एक किचन में अवेलेबल रहता है। चावल को पीस लेना है, मैंने चावल को यहाँ पर पीस लिया है। और हम लेंगे थोड़ी सी दही। दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो भी हमारे चेहरे को ब्राइट बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे, इसमें हम लगभग 2 चम्मच के जितना चावल का आटा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू हमें इतना सारा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। हमने लगभग यहाँ पर 2 छोटे चम्मच चावल का आटा लिया है। अब लगभग 2 छोटे चम्मच के जितना ही मैं इसमें आलू डालूंगी। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे दही। पहले मैं दही इसमें थोड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो हम पहले इन सबको ब्लेंड करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दही थोड़ी सी और ऐड करेंगे। पहले हम इनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने इन्हें ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें इसे निकालेंगे, और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी दही थोड़ी सी और डालेंगे। अगर कंसिस्टेंसी ठीक होगी तो डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी डालेंगे। मैंने इसे निकाल लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी मैं दही डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है। पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें, हो सके तो थोड़ा सा रोज वाटर से पोंछ लें। मैं यहाँ पर टिश्यू से पोंछ रही हूँ। जो भी मास्क लगाए उससे 2 मिनट मसाज जरूर करें। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद 2 मिनट मसाज करें। मसाज करने के बाद इसकी एक लेयर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से वॉश करेंगे। मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, अब 10 मिनट के बाद वॉश करेंगे। मैंने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छा मास्क है। ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपके किचन में ही बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई करें, चेहरा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ सॉफ्ट और ग्लोई हो जाएगा। तो आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई करें, और रिजल्ट कैसा मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं।